तो दोस्तों इजी एक्सरसाइज के सेगमेंट में मैं आज आपको एक और इजी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। हम टीवी तो देखते ही हैं, लैपटॉप्स देखते हैं, चलाते हैं, लेकिन हम अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते और उस दौरान हम कई सारी इंजरीज भी अपने माथे पर ले लेते हैं, मतलब खुद के लिए मोल ले लेते हैं। तो ऐसे में मैं आज आपको 5 इजी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, जब भी आप टीवी देखें उस दौरान आप कर सकते हैं, यानी कि रिलैक्स मूड में करने वाली ये एक्सरसाइज है जो आप करना पसंद भी करेंगे। और ये भी मेरी कुलीग आपको करके दिखाने वाली हैं 5 एक्सरसाइज जो मुझे पसंद आई और उन्होंने मेरे लिए की है और मैं आपको दिखाना। टीवी देखते हुए या ऑफिस का काम करते हुए घर पर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको करनी होगी पहली एक्सरसाइज जो हम आपको बता रहे हैं, वो है फ्रंट टू साइड हैंड स्ट्रेच। जी हाँ, अपने हाथों को फ्रंट से बैक की तरफ ले जाना है जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो। इसे करने से आपके पूरे हैंड में काफी स्ट्रेचिंग होगी और आपके शोल्डर मसल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। वहीं अगर आप इसका 5 से 10 बार रिपीटेशन करते हैं तो इसका इफेक्ट लाजवाब होगा। दूसरी एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। ये एक्सरसाइज भला कौन नहीं जानता। आपको अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रखने हैं और फिर इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसा आप चाहे मूव कर सकते हैं, यानी रोटेट करना है। ये करने से आपके शोल्डर मसल से लेकर आपकी नेक और बैक लाइन भी काफी स्ट्रेच होगी। अगर आप इसे 5 से 10 बार करते हैं तो आपको इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और तीसरी एक्सरसाइज है डायगोनल हैंड एक्सटेंशन। इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको अपने हैंड्स को अपोजिट साइड लेकर जाना है। देखिए ऐसे आपको दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रखने हैं और फिर अपना एक हाथ फ्रंट की तरफ लाना है। फिर यही रिपीटेशन आप दूसरे हैंड से भी कर सकते हैं। इससे आपके शोल्डर मसल तो काफी स्ट्रेंथन होंगे ही, साथ ही साथ आपकी बैक मसल्स भी काफी स्ट्रांग होंगी। और चौथी एक्सरसाइज है फ्रंट रोइंग। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्सरसाइज आपकी चेस्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अपने दोनों हाथों को आप आगे लेकर आएंगे और मुट्ठी बना लेंगे, उसके बाद इसे आप स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपनी चेस्ट के इक्विवेलेंट रखेंगे। ऐसा करने से आपकी चेस्ट पर इसका इफेक्ट होगा, साथ ही बैक मसल भी काफी अच्छी स्ट्रेंथन होगी। आपके साइड हैंड्स और बाइसेप्स पर भी इसका इफेक्ट आपको पूरी तरह से महसूस होगा। अगर आप इसे स्लोली करते हैं और 5 से 10 बार रिपीट करते हैं तो इसका फायदा आपको अमेजिंग तरीके से देखने को मिलेगा। और 5वीं एक्सरसाइज है सीटेड कोर एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में आपको सीधा बैठना है और अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर रखना है और हल्का सा चेस्ट पर आपको प्रेशर देते हुए पीछे की तरफ मूव करना है। आप बिल्कुल भी 180 डिग्री मूव नहीं करेंगे, बहुत हल्का सा स्लाइड मूव करेंगे जितना आपके लिए कंफर्टेबल है। और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी बैक स्पाइन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा और साथ ही आपकी जो बॉडी स्ट्रेंथिंग है वो भी अच्छे से हो जाएगी। इसके लिए आप 5 से 10 बार इस एक्सरसाइज को जरूर रिपीट करें। तो देखा दोस्तों आपने, घर बैठे आप कितनी इजीली अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि टीवी देखते वक्त भी आप किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। इससे आप अपनी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रख सकते हैं, आपका माइंड भी फिट रहेगा और एंटरटेनमेंट तो आप कर ही रहे हैं टीवी देखते हुए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और ये 5 एक्सरसाइज आप ज़रूर ट्राई करेंगे। जैसे हमने बताया बस वैसे ही कीजिएगा। अगर इसी तरह के टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, इसी तरह की इजी एक्सरसाइज चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग NBT लाइव। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा।